शहर की ताजा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मंडल न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं कोरोना की भयावहता और जिले में कोरोना का तांडव। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जिले की पालक मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर की अध्यक्षता में पिछले रविवार को हुई प्रशासनिक बैठक में अमरावती जिले में एक सप्ताह का लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया। 1 मार्च तक यह लॉकडाउन जारी रहेगा। इसी बीच दैनिक अमरावती मंडल और मंडल न्यूज़ के प्रतिनिधियों ने कोरोना से मारे गए लोगों की जो जानकारी इकट्ठा की है वह बड़ी चौंकाने वाली है। प्रशासनिक आंकड़े बताते हैं कि 17 फरवरी से 23 फरवरी के बीच अमरावती जिले में कोरोना से कुल 26 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि अकेले हिंदू स्मशान घाट के अध्यक्ष एडवोकेट आरबी अटल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हिंदू स्मशान घाट में 17 फरवरी से 13 फरवरी के बीच कुल 50 लोगों का दाह संस्कार किया गया। अकेले हिंदू स्मशान घाट पर कोरोना से मृत लोगों का आंकड़ा 50 का है। इसका मतलब प्रशासनिक आंकड़ों में और वास्तविकता जमीनी हकीकत में बहुत फर्क दिखाई दे रहा है। कोरोना की अमरावती जिले में आई दूसरी लहर काफ़ी भयावह और तांडव मचाने वाली दिख रही है। मिली जानकारी के अनुसार 7 दिनों में प्रशासनिक आंकड़ा भले ही 26 मौतों का हो, लेकिन अमरावती मंडल और मंडल न्यूज़ के अलग अलग रिपोर्टर ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार अमरावती जिले में एक सप्ताह में कम से कम 60 लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई है। हमारे प्रतिनिधि ने जानकारी दी कि अमरावती के कब्रस्तान में पिछले एक सप्ताह में कोरोना से मृत 3 लोगों को दफनाया गया तथा अकेले हिंदू स्मशान घाट पर 50 लोगों का दाह संस्कार हुआ। जिले के तालुका प्लेसेस पर भी कोरोना से अलग अलग मृत्यु के समाचार है। हमें जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार कोरोना की दूसरी लहर में पूरे महाराष्ट्र में जनसंख्या के अनुपात में मृत्यु के मामले में अमरावती सबसे आगे है। ऐसी स्थिति में यह जानना आवश्यक है कि प्रशासन क्या आंकड़े छुपा रहा है अथवा उस तक पूरी जानकारी नहीं पहुंच रही है। हिंदू स्मशान घाट पर गैस चेंबर, दाह संस्कार के लिए निर्धारित ओटे और अतिरिक्त जगहों पर भी दाह संस्कार करने के बावजूद जगह काफी कम पड़ रही है। कोरोना के इस तांडव में अब हमें और आपको यदि कोरोना की इस दूसरी लहर को मारना है, यदि कोरोना की इस दूसरी लहर से जीतना है तो आवश्यक है कि लगाए गए लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करें, प्रशासनिक नियमों का पूरी तरह पालन करें, निर्धारित दूरी बनाए रखें, मास्क लगाए और अपने आप को समय समय पर सैनिटाइज करता रहे। हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार पिछले 24 घंटे में हिंदू स्मशान घाट पर कोरोना से मृत 19 लोगों का दाह संस्कार किया गया है, जबकि प्रशासन पिछले 24 घंटे में केवल 6 मृत्यु बता रहा है। हिंदू स्मशान घाट के लोगों ने जानकारी दी है कि वहां राठी नगर कारंजा लाल तहसील के खड़ी धामनी निवासी फ्रजयपुरा कुंभारवाला बुधवारा नवाथी नगर सिरजगांव कस्बा अचलपुर के सबईपुरा राठी नगर गावंडे लेआउट साई नगर बाखलेवाली चांदूर बाजार तहसील के तलवेल आदि ठिकानों में रहने वाले लोगों का कोरोना से मृत्यु के पश्चात दाह संस्कार किया गया। 17 फरवरी को हिंदू स्मशान घाट पर 12 लोगों का दाह संस्कार किया गया, 18 फरवरी को 4, 19 फरवरी को 5, 20 फरवरी को 7, 21 फरवरी को 4, 22 फरवरी को 12 और 23 फरवरी को 6। इस तरह हिंदू स्मशान घाट पर 50 लोगों के दाह संस्कार की जानकारी दी गई है, जबकि सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि वहां 16 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक केवल 26 लोगों का दाह संस्कार किया गया। अंत में मैं अमरावती जिले के सभी नागरिकों से पुनः आह्वान करूंगा कि वे लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें और प्रशासन को इस विशेष बुलेटिन के माध्यम से आह्वान है कि वे सत्यता को स्पष्ट करें। धन्यवाद।